बच्चों का टिफिन हो या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो, हम सब चाहते हैं कि जो भी बनाए सुबह वो जल्दी बन जाए और जल्दी बनाने के साथ साथ वो हेल्दी भी हो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मल्टीग्रेन डोसा, जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और फटाफट बनने वाला भी है। और बच्चों को ये इसलिए पसंद आएगा क्योंकि इसमें हमने पनीर भी ऐड किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पोज देसी किचन। तो चलिए आज हम बनाते हैं हेल्दी, टेस्टी एंड क्रिस्पी मल्टीग्रेन डोसा। हाई प्रोटीन डोसा बनाने के लिए एक बड़े बोल में 1 टेबल स्पून चने की दाल, 1 टेबल स्पून लाल मसूर या धुली मसूर की दाल, 1 टेबल स्पून हरी मूंग या छिलका मूंग, 1 टेबल स्पून तूर की दाल या अरहर की दाल, 1 टेबल स्पून धुली उड़द की दाल, 1/2 चम्मच दाना मेथी और 2 टेबल स्पून चावल लेंगे। इसको पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ों को। 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। दाल को तब तक धोएंगे जब तक कि इसमें क्लीन वाटर ना आ जाए। दाल को अच्छी तरह धोने से जो इसमें पाउडर लगा होता है वो इसमें निकल जाएगा। अब इसमें पानी भर देंगे और कवर करके ओवरनाइट सोक करने के लिए इसको रख देंगे। ओवरनाइट सोक करने के बाद चलिए दाल को चेक कर लेते हैं। दाल अच्छी तरह से भीग गई है। चलिए इसका हम सारा पानी निकाल देंगे और मिक्सर जार में इसको डालेंगे। अभी दाल में पानी ऐड नहीं करेंगे। पांच से छह हरी मिर्च इसमें डालते हैं, अदरक का एक टुकड़ा, 1 चम्मच जीरा, काली मिर्च, हींग पाउडर, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पल्स मोड पर थोड़े थोड़ी देर के लिए चलाकर फिर बंद कर देंगे, जिससे मिक्सी गर्म ना हो और दाल भी अच्छी तरह से पिस जाए। ये दाल का बैटर बनकर तैयार हो गया है। इसको वापस इसी बोल में निकाल लेते हैं। नमक डालेंगे इसमें, फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। दाल अभी गाढ़ी लग रही है तो मिक्सर जार में जो दाल बची थी उसी में थोड़ा पानी ऐड करेंगे और वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके अब हम साइड में रख देते हैं। दाल को जब तक रेस्ट करने के लिए रख रहे हैं तब तक चलिए इसके लिए एक अच्छी चटनी बना लेते हैं। 1/4 कप मूंगफली के दाने लिए हैं। इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसके छिलके उतरने लगा है मूंगफली का, इसका मतलब है मूंगफली अच्छी तरह भुन गई है। सारे छिलके इसके निकाल देंगे मूंगफली के और इसको एक मिक्सर जार में डालेंगे। इसी तरह से हमने 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर सफ़ेद तिल लिए हैं। सफ़ेद तिल को भी हल्का ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हाथ से दबा कर एक बार चेक कर लेते हैं। तिल अच्छी तरह भुन गए, इसको भी मूंगफली के साथ डाल देंगे। 1 चम्मच जीरा डालेंगे, स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। पाउडर को एक बोल में निकाल लेते हैं। इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हींग पाउडर डालेंगे। इसके लिए तड़का बनाकर तैयार करते हैं। एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गर्म करते हैं। धुली उड़द के दाने थोड़े से डालते हैं। 1 चम्मच काली राई डालेंगे और इसको मिक्सचर में डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। आप चाहें तो इस पाउडर को पहले भी बनाकर रख सकते हैं और जब चाहें तो आप चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 से 7 मिनट इसको रख देंगे। एक बढ़िया चटपटी चटनी बनकर ये तैयार हो गई है। चलिए वापस बैटर के ऊपर आते हैं। बैटर को रेस्ट होकर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इसको अच्छी तरह से एक बार और मिक्स कर लेते हैं और डोसा बनाने की तैयारी करते हैं। एक फ्लैट पैन को पहले 1/2 चम्मच तेल से ग्रीस कर लेते हैं। एक टिश्यू पेपर से ऑयल को स्प्रेड कर देते हैं। बैटर को डालेंगे, 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर बैटर डाला है। इसको अच्छी तरह से बैटर को स्प्रेड कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ऊपर इसको हम पहले कुक करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे। जब ये ऊपर से ड्राई हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे पैन के ऊपर से। जो हमने चटनी बनाई है वो चटनी इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रेड करेंगे। इससे डोसे का जो फ्लेवर है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पनीर इसके ऊपर ग्रेट करके डाला है। आप चाहें तो पनीर की जगह चॉप्ड वेजिटेबल्स को भी डाल सकते हैं, जो भी सीजनल वेजिटेबल हो। चलिए डोसा बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारे डोसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। हेल्दी, टेस्टी एंड क्रिस्पी मल्टीग्रेन डोसा बनकर तैयार है। आप इसको अपनी मनचाही चटनी के साथ सर्व करें।
वीडियो अगर अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी को जरूर प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।